ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणं सिद्धं शुद्धं पणनीय जिणेन्दभरणे मिचन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणुदयम् जीवस्य परुवणम् ओचम्। सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद आचार्य ने इस गोमरसार जीवकांड ग्रंथ की रचना की हुई है, उसी के आधार से पंडित टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका जीवकांड भाषा टीका ढूंढारी भाषा में लिखी हुई है और इसका जो हिंदी अनुवाद है उसको हम अब देख रहे हैं। इसके जो दो भाग बने हैं उसमें से भी दूसरी पुस्तक चलेगी अपने यहाँ पर और हम संयम मार्गणा की प्ररूपणा देखने जा रहे हैं। संयम मार्गणा का अर्थ ये है संयम की अपेक्षा जीवों के भेद, यानी क्या वो संयमी है क्या असंयमी है क्या संयमा संयमी है, यदि संयमी है तो कौन सा संयम का भेद है, इस तरह से संयम मार्गणा की अपेक्षा इनके भेद होंगे। जब हम संयम की चर्चा करते हैं तो इंद्रिय संयम और प्राणी संयम 12 प्रकार के संयम बताए जाते हैं, उन भेदों की ये चर्चा नहीं है। जीवों के संयम है कि नहीं है, है तो कौन सा संयम है क्या असंयम है संयमा संयम, इस अपेक्षा से यहाँ जीवों के भेद की वर्णन उसका भेद का वर्णन चलेगा। एक प्रश्न है उसको लेके चलते आगे, को अवधि ज्ञान तो अंतर्मूर्त ज रहे छे, જ્યારે અવધિ જ્ઞાનમાં પણ અંતર્મૂર્ત જ રહે છે કે તે આયુ પર્યંત બની રહે છે? દેખો, કુ અવધિ જ્ઞાન અંતર્મૂર્ત જ રહે છે એ સ્ટેટમેન્ટ ગલત હૈ। ક્યું? ક્યુંકિ કુ અવધિ જ્ઞાન તો ચારો ગતિ વાલોં કો હો સકતા હૈ। હમને આપકો યે બતાયા થા કે જો નારકી હૈ ઓર દેવ હૈ વહાં તો મિથ્યા દૃષ્ટિ સાસાધન હૈ તો કુ અવધિ હૈ હી હૈ, ભલે વો 33 સાગર તક ભી હો તો કુ અવધિ હી રહેગા। वहाँ अवधि ज्ञान की अंतर्मूर्त की कंडीशन नहीं बताई थी। तिर्यंच और मनुष्यों में जो विभंग ज्ञान ने को अवधि ज्ञान होता है वो अंतर्मूर्त के लिए बताया, और जो अवधि ज्ञान जो है सु अवधि ज्ञान उसमें ऐसी कोई लिमिट नहीं बताई थी। मनुष्य है अवधि ज्ञानी है तो पूरे लाइफ टाइम तक हो सकता है अवधि ज्ञानी रहेगा। जैसे हम कहते हैं अवधि ज्ञान सहित हमारे तीर्थंकर का जो गर्भ में आ गए हैं या कोई अन्य समय दृष्टि अवधि ज्ञान सहित आए हैं तो पूरे लाइफ टाइम तक अवधि ज्ञान बना रहेगा उनका। सम्यक तो बना रहता है तो अवधि ज्ञान भी बना रह सकता है। अब देशावधि हमने देखा था, वो प्रतिपाती भी होते हैं, अवस्थित भी होते हैं, हीयमान भी होते, उसमें जो यथा योग्य कंडीशन लागू होगी। दूसरा एक प्रश्न, 14 गुणस्थान वर्ती जीवों की संख्या 598 हो छे अने 6 महीना ने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाए छे અને 14મા ગુણસ્થાનનો સમય 5 હ્રસ્વ જેટલો છે, તો આનો મેળ કેવી રીતે બેસે છે તે સમજાવશો? યહાં જો 598 જો વાત બતાઈ હે ઉસકે બદલે 608 ભી માન સકતે હૈ, એક વાત તો યે હોતી હૈ ક્યુંકિ ઉસમે દો કથન આતે હૈ। અબ યે 608 જો મોક્ષ જાતે હી હૈ કિતને સમય મે? 6 મહિને ઓર 8 સમય મે, પરંતુ ઉસમે એસા ભી હો સકતા હૈ કિ 6 મહિને કા અંતર પડા ઓર બાદ મે 8 સમય મે 608 ચલે ગયે। तो जो 13वां गुणस्थान है उसमें रहने का काल हीनाधिक होता है, जितनी जिसकी आयु बाकी है अंतर्मूर्त से लेकर कुछ कम करोड़ पूर्व तक 13वें गुणस्थान का एक जीव का काल है। अभी उसमें से ही जीव 14वें में जाएंगे तो 6 महीने 8 समय में 13वें में से 14वें में जाने वाले आप 598 को या 608 को उतने ही जाएंगे। एट ए टाइम एक समय में मैक्सिमम जीव कितने होते हैं उसकी संख्या है, और हर समय 14वें में गुणस्थान में थोड़े जीव रहने वाले हैं। 608 ये 6 महीने 8 समय में मिलकर की संख्या है, क्योंकि उसका जो 14वें का काल कितना है अंतर्मूर्त,
अंतर्मुख में असंख्यात समय होते हैं, तो असंख्यात समय में वहाँ मान लेते 598 को या 608 जीव है, और वो 608 जीव आगे पीछे करके वो अंतर्मुहूर्त में 8 समय में जा सकते, तो अंतर्मुहूर्त में जाने में क्या बाधा है? यानी कभी कभी इतने जीव उस गुणस्थान में हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है ना 6 महीने तक एक भी जीव उसमें ना हो, ये भी हो सकता है, एक दो ही हो ये भी हो सकता है। टोटल जो है 6 महीने 8 समय में मिलकर ये जीव वहाँ 14वां गुणस्थान पार करके मोक्ष जाएंगे, तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है, ऐसा मेड़ ही मेड़ है सब, और कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अभी संयम मार्गना की बात चलेगी। अपने ये पेज नंबर जो नए पुस्तक है ना 561 पेज नंबर, तो वही पहली पुस्तक के साथ ही कंटिन्यूएशन में है यहाँ पर। तो यहाँ से जो संयम मार्गना प्रारंभ हो जाती है, तो यहाँ हम पढ़ते हैं पहला पैराग्राफ जो है 465 की वहीं से टीका में। एक्चुअली संयम किसको कहना वो लास्ट लाइन ही पढ़ेंगे। देखो सम अर्थात सम्यक प्रकार का जो यम, यम यानी नियम, हम कहते हैं ना नियम नियम धारण की, यानी क्या ये सब व्रतादि अंगीकार करते हैं वो जो धारण करते हैं वो कैसे होने चाहिए? सम्यक प्रकार से। सम्यक प्रकार क्यों कहा? आत्मज्ञान पूर्वक ये जो व्रतादि धारण कर किए जाते हैं महाव्रतादि, उसका नाम है संयम। जिसको अभी आत्मा का अनुभव नहीं है, ऐसे मिथ्यात्व गुणस्थान वाले जीव भी द्रव्य यम यानी ये यम नियम धारण कर सकते हैं, नहीं की बात नहीं है। क्योंकि कोई जीव पहले गुणस्थान से सातवें में तभी जाएगा जब उसने ये सब यम नियम अंगीकार किए हुए हैं, पर उसने धारण किए भी हो तो उसको संयम नाम नहीं देंगे जब तक उनको आत्मानुभूति होकर वो सातवें में नहीं जाएंगे, तब तक उसको संयम नहीं कहेंगे। यानी केवल बाह्य आचारों को संयम नहीं कहते, यम नियम पाल रहे हैं, परंतु जो आत्मानुभूति पूर्वक, कितनी आत्मानुभूति? मुनि योग्य आत्मानुभूति। क्योंकि ऐसा भी होगा ना, बाह्य में उन्होंने महाव्रत आदि पाल रखे हैं और इतनी स्थिरता हुई कि चौथे गुणस्थान योग्य उसका पुरुषार्थ हुआ, तो हमको क्या कहेंगे? बाह्य में मुनि है परंतु अंतरंग में चौथा गुणस्थान है, तब भी चौथे गुणस्थान का नाम क्या है? असंयत समय दृष्टि। उनको क्या कहेंगे? हम असंयत कहेंगे। हो सकता है कि ऐसे जो बाह्य में मुनिव्रत अंगीकार किए हैं उनका पुरुषार्थ कितना हुआ? पांचवें गुणस्थान के योग्य, दो कषाय का अभाव, दो कषाय की वितरकता अभाव पूर्वक, तो कहते उनको क्या कहेंगे? पांचवें गुणस्थानवर्ती कहेंगे, उसको संयमासंयमी कहेंगे, उनको संयम नाम नहीं देंगे। उनका गुणस्थान की अपेक्षा हम अगर देखते हैं तो उसको संयम नहीं कहेंगे। संयम तभी कहेंगे ये सम्यक प्रकार का जो है, यानी वो मुनि योग्य जो अंतरंग में स्थिरता है, वितरकता है, और बाह्य व्रतादि भी होने चाहिए। कोई ऐसा कहता है नहीं, हम घर में रहते हैं, गृहस्थ है, कपड़े डाले हुए हैं और हमको सातवां गुणस्थान प्रकट हुआ, गृहस्थ दशा में रहते रहते केवल ज्ञान हुआ, तो ये बात सही नहीं है। वो बिल्कुल उनके जो अंतरंग स्थिरता है, उनके जो शुभराग रूप महाव्रतों के जो परिणाम है, और उनके जो बाह्य आचरण, शरीर की अवस्था, परिग्रह त्याग आदि जो है, सबका सुमेल रहता ही है, कहीं खींचातानी भी नहीं है, ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। ये यहाँ हम अभी देखेंगे। हम संयम मार्गना के अपेक्षा जीवों के भेद, यानी कोई संयमी हो गए और कोई संयमी नहीं हो गए, तो जो संयमी नहीं हो गए वो क्या हो गए? हो सकते असंयमी है। असंयमी कौन होते? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा गुणस्थान असंयमियों का है, उसको कहेंगे असंयत। हाँ, चौथे गुणस्थान का नाम ही असंयत सम्यक दृष्टि है, परंतु है सारे संयम की अपेक्षा सभी कैसे है? असंयमी है। पांचवा गुणस्थान कैसा है? संयम है और असंयम भी है, संयम थोड़ा है। कौन सा संयम है? त्रस हिंसा का त्याग है, यानी जो 12 प्रकार की अविरति है, असंयम है, उसमें से केवल त्रस हिंसा संबंधी वो संयत हुए है, उसका विरति है, बाकी सब अविरति है 11 प्रकार की, तो उसको कहेंगे संयमासंयम है। और छठे गुणस्थान से ऊपर जो है वो सब संयमी है। उन संयम में भी अभी भेद करेंगे, बताएंगे, उसके भेद देखेंगे हम, कि सामायिक है, छेदोपस्थापना है, परिहार विशुद्धि है, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात संयम है।
उन सब की अभी हम बातें क्रम से देखेंगे. ये क्या क्या है उसकी अभी हम अपनी चर्चा चलेगी. अभी हम थोड़ा पहले बोर्ड देख के फिर आगे की बात देखेंगे आपको, फिर हम पुस्तकों का आधार ले लेंगे. देखो यहाँ क्या लिखते हैं, संयम मार्गणा की अपेक्षा क्या क्या भेद हो सकते हैं. तो संयम हो सकता है, संयम हो सकता है और असंयम हो सकता है. तो संयम के गुणस्थान कौन से हैं जिसको हम संयत कहते हैं. छठे गुणस्थान से लेकर चौदहवें गुणस्थान तक के जीव है वो संयमी है, यानी वो संयम है उनके. संयम कहाँ पाया जाता है, तो पाँचवें गुणस्थान में पाया जाता है. तो पाँचवें गुणस्थानवर्ती जीवों को संयमी कहेंगे, जिनको वो संयम पाया जाता है. और पहले से चार गुणस्थान, पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, ये क्या है, वो वहाँ असंयम है, उनको असंयमी कहेंगे, असंयत कहेंगे. यहाँ तक समझ में. मुख्य भेद हमने तीन कर दिए. अब ये संयम के जो कई भेद है उसमें कौन कौन से भेद है. एक तो है सामायिक संयम और छेदोपस्थापना, ये दोनों जोड़ी एक साथ होती है. तो सामायिक और छेदोपस्थापना संयम छठे गुणस्थान से लेकर नौवें गुणस्थान तक दोनों ही होते हैं, एट ए टाइम होते हैं, अल्टरनेट होते हैं, ऐसा नहीं. अब परिहार विशुद्धि वो क्या है वो देखेंगे. परिहार विशुद्धि संयम जो है वो छठे सातवें गुणस्थान में ही होता है. परिहार विशुद्धि वाले श्रेणी चढ़ने जाए तो उनका भी सामायिक छेदोपस्थापना संयम हो जाता है. अब सूक्ष्म सांप्राय संयम जो हमें गुणस्थानों का नाम भी मालूम है कि उपशम श्रेणी चढ़े या शपक श्रेणी चढ़े, दसवें गुणस्थान में आते हैं तो वहाँ जो संयम है उसका नाम है सूक्ष्म सांप्राय संयम, वो दसवें गुणस्थान में होता है. यथाख्यात संयम, यथाख्यात यानी जैसा जैसा पूर्ण स्वभाव है वैसा प्रकट हुआ है वो संयम, वो 11 से 14 गुणस्थान में पूर्ण, यहाँ पूर्ण वितरागता हुई है. 11वें के है अंतर्मूर्त तक, 12वां का भी काल अंतर्मूर्त है, परंतु वो कैसे 11वां रिवर्सिबल फिर नीचे आने वाले, यानी 11वें में जो यथाख्यात संयम हुआ वो लौट कर नीचे आएंगे तो उनका सूक्ष्म सांप्राय चले जाएगा, वहाँ 9वें में आएंगे तो सामायिक छेदोपस्थापना हो गए. इस तरह से छठे तक वही चलेगा और फिर 13वें 14वें में तो समझते ही हम ये यथाख्यात संयम है. अभी हम पुस्तक के आधार से इसी बात को देखेंगे. हमने मूल में क्या क्या भेद होते हैं उसको हमने देखा था. यहाँ भी बोर्ड पर लिखा ना, सम का अर्थ होता है सम्यक और संयम यानी संयम सम्यक प्रकार का, यम यानी नियम, और सम्यक के बिना जो यम होते हैं उसको द्रव्य यम कहते हैं. केवल वो बाह्य क्रियाएँ अंगीकार की है परंतु वहाँ आत्मा का अनुभव नहीं है. अब हम आगे बढ़ते, देखो पेज नंबर 563. अभी यहाँ पहले दो पेजेस में उन्होंने कौन से कर्मों का उदय होता है, क्या होता है, इसकी विशेष यहाँ चर्चा की है. अब ये संयम कहाँ से कहाँ तक होता है, तो छठे से लेकर ऊपर तक होता है. तो वहाँ कौन से कषायों का उदय है, संज्वलों का है, संज्वलनों का है ना. बाकी तो तीन कषाय चौकड़ी का तो वहाँ अनुदय है, अभाव है नहीं कहेंगे, सत्ता में भले पड़े हमें उससे कुछ लेना देना नहीं, परंतु वो संयमी है. अब उसमें से जो हमने जो अलग अलग नाम देखते थे तो सामायिक संयम किसको कहना, तो देखो यहाँ हम पढ़ते हैं 470 की टीका, 563 पेज. समस्त व्रत धारणाधिक पांच प्रकार के संयम को, कौन से पांच प्रकार के संयम, पांच महाव्रत, ये नहीं यहाँ लिखे वो नहीं पांच प्रकार के संयम. देखो यहाँ क्या कहते हैं, समस्त व्रत धारणाधिक पांच प्रकार के संयम को संग्रह द्वारा एक यमम, इसका सामायिक शब्द कैसे तैयार हुआ, यानी हमने आपको बोला कि एक ही समय में उस जीव को सामायिक भी है और छेदोपस्थापना भी है. तो सामायिक क्यों कहना और छेदोपस्थापना क्यों कहा है? तो कहते पांच महाव्रत की अपेक्षा हम देखते हैं यहाँ पर पांच प्रकार के संयम व्रत धारण, यानी हम पांच महाव्रत की बात करते हैं. मुनि के जो 28 मूल गुण है उसमें से हम पांच महाव्रत की अपेक्षा क्या है, वहाँ सर्वसावध्य का त्याग है ना. तो कहते कि संग्रह द्वारा, यानी पांच भेद किए बिना एक साथ हमने कह दिया हमें सर्वसावध्य का त्याग है. हमने नहीं किया, मुनिराज ने किया है ना. तो क्या हुआ उसका, एक यमम यानी मैं सर्वसावध्य का त्याग करता हूँ. तो एक यम ने सकल सावध्य का एक साथ उसने
उसके ने अपेक्षा वो लगाई कि सभी का एक साथ, तो उसकी उसको क्या कहेंगे, सामयिक, और कहेंगे कि मैं तो अहिंसा मेरा महाव्रत है, यानी हिंसा का त्याग करता हूँ, चोरी का त्याग, एक एक का नाम लेकर भेद करके त्याग करता हूँ। ये कथन जब होता है, भेद करके कथन अपेक्षा भेदों की लगाएंगे, उसी को छेदोपस्थापना करेंगे। फिर से एक साथ सभी सावध्य का त्याग करता हूँ, क्योंकि जब अलग अलग करके बताने की जरूरत नहीं है, तो कहेंगे सामायिक है। और फिर एक एक का नाम लेकर कि हिंसा का त्याग है, चोरी का त्याग है, कुशील का त्याग है, इस तरह से अगर उसी के भेद करके कथन करते हैं तो उसको कहते हैं छेदोपस्थापना। भेद कहो छेद कहो एक ही बात है। उसको दूसरी पद्धति से समझाया जाता है कि जहाँ सामायिक का छेद होता है और फिर उसको अपना उसमें स्थापित करता है, उसको छेदोपस्थापना कहते हैं। परंतु नवे गुणस्थान में, आठवें गुणस्थान में कहाँ उसका छेद हो रहा है, कहाँ उसका गिरना होता है, पर ये कथन पद्धति है। अभी हम आगे बढ़ते, देखो तो ऐसा जो सामायिक पालने वाला जो जीव सामायिक संयमी है, देखो नीचे 7471 नीचे दो, सामायिक चारित्र का धारक प्रमाद से स्खलित होकर सावध्य क्रिया को प्राप्त हुआ ऐसा जो जीव पहले हुई सावध्य रूप पर्याय का प्रायश्चित विधि से, प्रमाद से स्खलित हुआ है ना, क्या आया, छठे गुण स्थान में आया, और फिर वो उसको अपने प्रायश्चित विधि से छेदन करके अपनी आत्मा को व्रत धारण आदि पांच प्रकार के संयम रूप धर्म में स्थापन करता है, वही छेदोपस्थापन संयमी जानना। छेद अर्थात प्रायश्चित, यानी दो प्रकार से कथन आता है ना, छेद यानी भेद द्वारा उसका कथन करना, उसको भी कहेंगे, और इस द्वारा भी ऐसा भी कहेंगे। उसके द्वारा उपस्थापन यानी अपने को फिर दोबारा स्थापित करना, धर्म में आत्मा को स्थापित करना, वह जिसके होता है वह छेदोपस्थापन संयमी है। अथवा पहले जो तप किया था दोष के अनुसार विच्छेद हुआ, विच्छेद यानी घात हुआ उसका, उसका छेद यानी जो दोष हुआ उसको अभी छेदा, दोष दूर करने के लिए तप के द्वारा उपस्थापन अर्थात निर्दोष संयम में आत्मा को स्थापित करना, वह जिसके होता है वह छेदोपस्थापन संयमी है। परंतु ये सामायिक भी छठे से है और छेदोपस्थापन भी छठे से नौवे तक है, दोनों ही एक साथ होते ही होते हैं। सावध प्रमाद से ने प्रमाद के कारण स्खलित हुआ यानी छठे में आया। मुनियों के लिए प्रमाद क्या है, प्रमत्त गुणस्थान में आया, फिर उसने अपने को उसमें स्थापित किया। सावध्य ने पाप, सावध्य का त्याग ही बताया, क्या कहा यहाँ पर, सावध्य क्रिया को प्राप्त हुआ, सावध्य क्रिया ने अभी वो राग रूप परिणमित हो ना, वहाँ तो उसके योग्य छठे गुणस्थान के योग्य राग है, वहाँ पर उसको सावध्य क्रिया कहा। उपस्थापन करना है ना, उसमें फिर स्थापित करना। देखो ये वैसे शास्त्रों में भी आता है कि पहले तीर्थंकर से लेकर केवल सामायिक चार ही भेद कहते थे, छेदोपस्थापना वाला नहीं था। क्यों, सर्व सावध्य का त्यागी हो तो संपूर्ण उसमें आ जाए। फिर अभी क्या हम ज़्यादा सियाने हो गए ना इस काल में, तो महावीर के ज़माने में क्या, वो तो अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, तो एक एक का नाम लेकर मैं इसका त्यागी हूँ, मैं उसका त्यागी हूँ, इसका त्यागी। पहले क्या कहा था, सर्व का त्यागी, सर्व सावध्य का त्यागी हो, फिर क्या कहना पड़ा, मैं इसका त्यागी हूँ, उसका त्यागी हूँ, भेद करके समझाया, वही हो गया छेदोपस्थापना। नहीं तो ऊपर के गुणस्थानों में जाने पर आठवें और नौवें में, अगर हम उतरने वाला श्रेणी से उतरने वाले की बात करते, सूक्ष्म सांप्रदाय से नौवें में आया, तो नौवें में आया तो अंतरंग में स्थिरता ही है, वहाँ कोई छेद हुआ ही नहीं तो उपस्थापन करने का सवाल भी नहीं है, फिर भी अपने आत्मा में ही स्थिर हुआ है, उसी को हम उपस्थापन कहेंगे, तो वो अपेक्षा भी लग सकती है। अपेक्षावश ये कथन होते हैं, यानी ये गलत है ये सही है ऐसा कुछ नहीं है, परंतु इन दोनों ही अपेक्षाओं से छेदोपस्थापना का अर्थ शास्त्र में ही बताया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये जो परिहार विशुद्धि किसको कहेंगे, तो 472 की टीका में बताते हैं। देखो, पांच समिति तीन गुप्ति से संयुक्त जो जीव, यानी ऑलरेडी मुनि अवस्था के है,
सदाकाल हिंसा रूप सावध्य का परिहार करता है. सदाकाल ने वो विहार भी करे, कुछ भी करे, तो भी वो हिंसा टाल कर वो कर सकते हैं. क्यों कर सकते हैं? उनके कुछ विशिष्ट बातें प्राप्त हुई है, उसका वो अभी कैसे हुए वो बताएंगे. वह पुरुष सामायिकादि पांच समयों में से, ये अभी सामायिकादि पांच समय ने ये वाले परिहार विशुद्धि नामक संयम का धारक प्रकट जानना. अभी वो परिहार विशुद्धि किसके प्राप्त होती है, उसकी जो कंडीशंस, उसकी जो कुछ बातें हैं, उसकी यहाँ बातें करती. देखो नीचे का पैराग्राफ 564 पेज. जो जन्म से 30 वर्ष तक का हो तथा सर्वदा खान पान आदि से सुखी हो, यानी घर गृहस्थी में बहुत उसने ऐसा जीवन बिता गया 30 वर्ष तक, ऐसा पुरुष दीक्षा को अंगीकार करके, यानी अभी मुनि दीक्षा अंगीकार की, पृथक्त्व वर्ष तक. पृथक्त्व यानी कहते ना वो तो आठ कहते हैं, 38 वर्ष की बात करते तो 8 वर्ष तक समझो. तीर्थंकर के पाद मूल में प्रत्याख्यान नामक 90 पूर्व का पाठी हो. आज सुबह बात आई थी प्रत्याख्यान पूर्व 90, तो वहाँ उसका उसने अभ्यास किया है तीर्थंकर के पाद मूल में. वह परिहार विशुद्धि संयम को अंगीकार करके तीनों संध्या काल बिना सर्वकाल में 2 कोस विहार करता है. 3 संध्या काल को छोड़कर अन्य कालों में, यानी प्रतिदिन उनके विहार होगा ही होगा, वर्षा काल हो तो भी. और रात्रि में विहार न करे, वर्षा काल में कुछ नियम नहीं, गमन करे वा न करे, ऐसा परिहार विशुद्धि संयमी होता है. यानी उनके जो हिंसा का परिहार करके उनकी जो चर्या सब हो सकती है, होती ही. यहाँ लिखा है देखो, परिहार अर्थात प्राणियों की हिंसा का त्याग, उससे विशेष रूप जो शुद्धि अर्थात शुद्धता जिसमें हो, वह परिहार विशुद्धि संयम जानना. इस संयम का जघन्य काल तो अंतर्मूर्त है, क्योंकि कोई जीव अंतर्मूर्त मात्र उस संयम को धारण करके अन्य गुणस्थान को प्राप्त होता है. श्रेणी चढ़ी उसने अंतर्मूर्त में, तो इसका काल अंतर्मूर्त कहलाएगा. तो वहाँ वह संयम नहीं रहता, इसलिए जघन्य काल अंतर्मूर्त कहा. और उत्कृष्ट काल कितना होगा? देखो 30 वर्ष तो घर में बिताए, 8 वर्ष में दीक्षित हुए, और उसके बाद उन्होंने ये परिहार विशुद्धि संयम प्राप्त किया. और कौन सी कितनी आयु लेकर आए थे? तो करोड़ पूर्व की. तो यही कहते उत्कृष्ट काल 38 वर्ष कम पूर्व कोटि है. समझ में आई ना बात? यानी वो मरण तक उनकी परिहार विशुद्धि रही है, उसका अर्थ निकलता है इसमें से. क्योंकि कोई पूर्व कोटि आयु का धारक जीव 30 वर्ष का होकर दीक्षा ग्रहण करके 8 वर्ष तक तीर्थंकर के निकट पढ़कर पश्चात परिहार विशुद्धि संयम को अंगीकार करता है, इसलिए उत्कृष्ट काल 38 वर्ष कम पूर्व कोटि, यानी हमारी भाषा में पूर्व कोटि माइनस 38 वर्ष. हाँ विहार होता है कंपल्सरी, यानी कर सकते भी, नहीं भी बताया है, पर वो करते ही है. वर्षा काल में करे नहीं करे, पर अन्यथा तो 2 कोस तो उनका विहार होता ही है. हाँ वो उसकी कंडीशन है. तीर्थंकर के पाद मूल में ही उन्होंने प्रत्याख्यान पूर्व का अभ्यास किया. प्रत्याख्यान पूर्व तो सुने हैं उनके उसमें, और उसका विशेष अभ्यास करके उनको ये रिद्धि प्राप्त, परिहार विशुद्धि संयम प्राप्त हुआ है. हाँ देखो देखो अब आगे देखते हैं. परिहार देखो संध्याकाल, मराठी में जो संध्याकाल कहते हैं शाम, वो नहीं, संध्याकाल यानी संधि काल, जो सूर्योदय के समय का, दोपहर मध्यान्ह का और शाम का, वो 3 संध्या काल कहने में आते हैं, संधि काल. परिहार विशुद्धि रिद्धि से युक्त जीव 6 काय रूप जीवों के समूह में विहार करते हुए जल से कमल पत्र की भांति पाप से लिप्त नहीं होता. ये उन्होंने विशेष उसका अभ्यास करने के कारण वो उनके वो हिंसा को टाल कर उनकी सभी सारी चर्याएं होती है, इसलिए उसको परिहार विशुद्धि वो कहते हैं. अब सूक्ष्म सांप्राय की बात है. सूक्ष्म कृष्टि को प्राप्त हुए लोभ कषाय के अनुभाग, क्या कहना चाहते हैं? ये जब जो श्रेणी चढ़ता है तो जब 10वें गुणस्थान में आने के पहले
नौवे के अंत में, अभी तक तो वहाँ लोभ जो था वो बादर लोभ था, अनुभाव उसका अधिक था। अभी जो उपशम श्रेणी वाला है वो उसके स्पर्धक में से उसको सूक्ष्म कृष्टि रूप कर देता है, और जो क्षपक श्रेणी चढ़ता है तो हमने बहुत विस्तार से देखे थे, पहले बादर कृष्टि होती है, पहले पूर्व स्पर्धकों से अपूर्व स्पर्धक, फिर अपूर्व स्पर्धकों से बादर कृष्टि, उसमें से सूक्ष्म कृष्टि। तो नवे के अंतर में वो अनुभाग अत्यंत हीन किया जाता है, उसको कहेंगे सूक्ष्म कृष्टि की, लोभ को सूक्ष्म कर दिया, उसका उदय दसवें में होता है। और वहाँ जो संयम है तो उसको यहाँ लिखा है ना, सूक्ष्म कृष्टि को प्राप्त हुए लोभ कषाय के अनुभाग के उदय को भोगने वाले, यानी दसवें गुणस्थान में वो लोभ का सूक्ष्म अनुभाग का उदय है। वो कौन से जीव, उपशमक या क्षपक, दोनों ही। वो कैसे सूक्ष्म है, सांप्राय, जिनका सांप्राय का अर्थ होता है कषाय, जिनका कषाय सूक्ष्म है, ऐसे सूक्ष्म सांप्राय संयमी जानना, वे यथाख्यात संयमी महामुनियों से किंचित कम जानना। क्या कमी है उनमें, ये सूक्ष्म लोभ का उदय है, और यथाख्यात संयमियों में बिल्कुल अकषाय हो गए, कषाय पूर्ण मिट गए हैं, पूर्ण वितरागी हुए हैं, और इनका सूक्ष्म लोभ का उदय चल रहा है, अल्प सा ही अंतर है। अब आते 566 पेज पर। अभी यथाख्यात चारित्र किसको कहना, वो पहला पैराग्राफ, अशुभ रूप मोहनीय कर्म उपशम रूप या क्षय रूप होने पर, ग्यारहवें गुणस्थान में ये पूरा ही उपशमित होकर पड़ा है, कर्मों की सत्ता है परंतु वो दब गए, उदय में नहीं आने योग्य हो गए। और क्षय रूप कहाँ होते हैं, क्षपक श्रेणी में, उनका क्षय करते करते नवे गुणस्थान में बहुत क्षय किया, फिर दसवें में अंत में सूक्ष्म लोभ का भी क्षय हो गया और सत्ता में से नष्ट हुए। ऐसे उपशांत कषाय गुणस्थानवर्ती या क्षीण कषाय गुणस्थानवर्ती, यानी ग्यारहवें और बारहवें छद्मस्थ होते हैं, यानी वो कैसे है, पूर्ण वितरागी है परंतु छद्मस्थ है। और हरंत भगवान कैसे है, पूर्ण वितरागी और सर्वज्ञ है, समझ में। ग्यारहवें बारहवें कैसे है, पूर्ण वितरागी हुए, अरिहंत जैसी वितरागता ग्यारहवें वाले को भी और बारहवें वाले को भी। डिफरेंस क्या है, अभी तीन घाती है ना वहाँ की, तो वो सर्वज्ञ नहीं है, उनको कहते छद्मस्थ है, तो उनको वितराग छद्मस्थ भी कहेंगे। तो कहते कि अथवा, यानी वो कैसे है, छद्मस्थ है, ग्यारहवें बारहवें वाले छद्मस्थ है परंतु फिर भी यथाख्यात चारित्र वाले है, पूर्ण वितरागी है। सयोगी अयोगी जिन, वे ही यथाख्यात संयमी जानना, यानी मोहिनी कर्म के सर्वथा उपशम या नाश से यथावस्थित आत्म स्वभाव की अवस्था है, जैसा आत्मा का स्वभाव वितराग है वैसे वहाँ की अवस्था है, ऐसा जिसका लक्षण है ऐसा यथाख्यात चारित्र है। अभी संयमा संयम की बात है, ये संयम के भेद देखे हमने, कौन कौन से देखे हमने, सामायिक और छेदोपस्थापना एक साथ एक जोड़ी में एक युगल रूप में बताना। तो सामायिक छेदोपस्थापना गुणस्थान 6 से 9, फिर परिहार विशुद्धि संयम गुणस्थान 6-7 और सूक्ष्म सांप्राय संयम 10 गुणस्थान और यथाख्यात संयम 11-12-13-14, ये 4 गुणस्थान। अब ये संयमा संयम की बात करते हैं, सामायिक छेदोपस्थापना होगा क्योंकि तीर्थंकर के पादमूल की कंडीशन है ना, यहाँ तो कोई नहीं होगे परिहार विशुद्धि वाले, हाँ अन्यत्र जहाँ तीर्थंकर विराजमान है वहाँ होगे। देखो अब कहते हैं संयमा संयम की बात यहाँ करते हैं, पेज नंबर 566, 5 अनुव्रत व बीच वाला पैराग्राफ, 3 गुणव्रत 4 शिक्षा व्रत, ऐसे 12 व्रतों से संयुक्त जो सम्यक दृष्टि कर्म निर्जरा के धारक देश विरत जीव संयमा संयम के धारक है, ऐसा परमागम में कहा है। हमारी भाषा में पांचवें गुणस्थान वर्ती को क्या कहेंगे, संयमा संयम। असंयम क्यों, क्योंकि 11 प्रकार की अभी अविरति है, कौन सी, 5 इंद्रिय संयम और एक जो 5 इंद्रिय और एक मन, 6, इसको हम 6 को कहते हैं इंद्रिय संयम नहीं है,
यानी उस संबंधी असंयम है। और प्राणी संयम में भी छह काय के बदले केवल त्रस काय से ही वो विरत है, बाकी पांच से पांच स्थावर को काय की हिंसा टाल नहीं सकते। ख्याल में आती है बात? तो उनको 11 प्रकार का असंयम है, एक प्रकार का संयम है। यहाँ तक समझ में आई बात? अब ये जो पांचवे गुणस्थान वर्ती है तो वो हम देखते हैं उसके प्रतिमाएँ की अपेक्षा उसके अलग अलग भेद है। वैसे पांचवा गुणस्थान उसमें कितने भेद हो गए, असंख्यात भेद हो गए पांचवे गुणस्थान के, पर स्थूल रूप से उसके ये 11 प्रतिमाओं के रूप में उसका भेद किया जाता है। क्योंकि जो अभी भी पांचवे में आया है और वो कितने काल है और अधिक स्थिरता करने वाले हैं और अभी सातवें में जाने के योग्य है, तो उसके विशुद्धि में अंतर होगा कि नहीं होगा? अरे चौथे गुणस्थान में असंख्यात भेद होते हैं, नहीं समझे? शास्त्र में ऐसा आता है जिन बिंब दर्शन से वो निधत्ती निकाचित कर्म का भुक्का हो जाता है। तो कौन से भगवान के दर्शन से? महावीर के, आदिनाथ के, कौन से? कोई भी, कोई भी चलेगी? नेमिनाथ नहीं चलेंगे, अरनाथ नहीं चलेंगे, सब चलेंगे। तो सबको करना चाहिए ना। तो कहते हैं कि नमस्कार असंख्यात प्रकार के होते हैं और वो नमस्कार चौथे गुणस्थान से शुरू होता है। जिसने निज भगवान आत्मा का दर्शन किया है उसी का वो निधत्ती चला जाएगा, उसे अन्यथा केवल वहाँ जाके मंदिर में भगवान के आगे माथा रगड़ा इसलिए वो निधत्ती का कुछ नहीं होगा। और वो निधत्ति और निकाचित का तो हवा बना के रख दिया है। अरे कुछ परमाणु अपनी जगह नहीं छोड़ते हैं, उसका ऊपर नीचे अपकर्षण उत्कर्षण नहीं होता है, संक्रमण आदि नहीं होता है, अपने निषेक में जब यथावस्थित नीचे आएंगे उसको निधत्ति निकाचित के। और लोग कहते ऐसे कर्म बांधोगे वैसे कर्म बांधोगे, ये सबको डरा देते हैं, है ना? क्योंकि जो निधत्ति निकाचित पने बने रहे तो स्थिति कांडक और अनुभव कांडक और वो कैसे बनेंगे, इसलिए वो बात आती है। और वो जो अनिवृत्तिकरण परिणाम के वश से वो हो जाते हैं, वो अनिवृत्तिकरण परिणाम कब हो गया? आत्मसन्मुख दशा में हो गए, शुद्ध उपयोग में हो गए। और जिसके वो नहीं हो गए उसको सम्यक दर्शन कैसे होगा बिना शुद्ध उपयोग का और बिना तीन कर्म परिणामों का? तो तीन कर्ण परिणामों में वो निधत्ति निकाचितपना चला जाता है और तभी उसको, और उसी को नमस्कार कहा है। ये स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि नमस्कार असंख्यात प्रकार का होता है और वो चौथे गुणस्थान से शुद्ध उपयोग के काल में चालू हो जाता है। अभी हमने कोई आगम पढ़े नहीं ना, क्या करें? अभी ये जो एकादश जो 11 प्रतिमा है उसके नाम यहाँ देखे, देखो ये 477 की टीका। बिल्कुल हर जगह लिखा है। अरे मूल षटखंडागम लिखा है और षटखंडागम के आधार से जितने जो शास्त्र बने उस सब में यही बात होगी ना। और विरत समय तो का अर्थ ही क्या है? और उसमें अगर शुद्धोपयोग और तीन कर्ण परिणाम होते ये भी सर्वत्र आता है। तो केवल आगम पढ़ा तो तीन कर्म परिणाम हुए हमारे? बिना आत्मा के सन्मुखता के तीन कर्ण परिणाम हो गए ही नहीं, जिसको हम द्रव्याण योग में शुद्धोपयोग कहेंगे। ख्याल में आती है? तो बिना उसके ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि संयम धारण किए बिना समय दर्शन नहीं होता, शुद्ध उपयोग नहीं होता, कहीं पर भी नहीं लिखा है। इसका लिया तो के बाद में एक से सात यम नियम ऐसे लिया के बाद में सब्जेक्ट उधर होता है, कहीं पर ऐसा नहीं लिखा यम नियम में। उलर तो हमने देखा ना, वो तो तत्व विचार से ही सम्यक तो होगा और तत्व विचार के काल में वो उपशमादि होते, वो पंचलब्धि में भी हमने देखा, लब्धिसार के आधार से हमने कितनी बात स्पष्ट रूप से जानी है। नहीं तो तीन प्रकार के सम्यक तो सिद्ध कैसे करेंगे और उसका एक समय निश्चित समय कैसे होगा? केवल हमने श्रद्धा कर ली तो फिर वो अंतर्मूर्त के लिए गिरती है, वो कैसे सिद्ध करेंगे? केवल पुस्तकों की श्रद्धा उसको श्रद्धा नहीं कहते हैं, आत्मा के अनुभव सहित जो प्रतीति होती है उसी को यहाँ सम्यक दर्शन कहते हैं। बिना आत्मानुभव के सम्यक दर्शन कहते ही नहीं, और आत्मा का अनुभव करने के लिए व्रतों की कोई कंडीशन है ही नहीं। हाँ व्रत धारण किए उसका निषेध नहीं, उनको वो तो करो ना, वो व्रतों के साथ करो आत्मानुभव, पर व्रतों के धारण करने के बाद भी आत्मानुभव होगा वो तत्व विचार के काल में होगा, केवल व्रतों के सामर्थ्य से आत्मा का अनुभव नहीं होने वाला है। ख्याल में आती है बात? अब आगे देखते हैं, ये जो उसके 11 नाम है यहाँ देखते हैं, पेज नंबर 566, ये प्रतिमाओं के नाम है। देखो दार्शनिक, व्रतिक, सामायिक,
प्रोषधोपवास सचित्त विरत रात्रि भोजन विरत ब्रह्मचारी आरंभ विरत परिग्रह विरत अनुमति विरत और उद्दिष्ट विरत ऐसी 11 प्रतिमाओं की अपेक्षा देश विरत के 11 भेद जाना। बहुत सारे भेद हो गए असंख्यात, पर ये मुख्य मुख्य भेद बताए जाते हैं। अभी दार्शनिक किसको कहेंगे, समय दर्शन तो चौथे में ही हो गया, परंतु वहाँ अतिचार रहित जो होता है तो इसको उसको दर्शन प्रतिमा वाला कहते हैं। दर्शन प्रतिमा यानी भगवान के दर्शन का नियम वो नहीं होता उसको दर्शन ऐसे समझते हैं ना, ऐसे चलता है समझ में, ऐसी धारणा है सब, क्या करें। भोले जो ऐसा ही मानते हैं, दर्शन के लिए बिना हम पानी नहीं पीते, वो हमारी दर्शन प्रतिमा है। चलो अच्छा हो गया। हाँ क्या क्या ये सम्यक तो क्या अतिचार बताए ने, तत्वार सूत्र निकालो पढ़ो, पांच अतिचार उससे रहित होगा वो दर्शन प्रतिमा होगी। देखो पांच अनुवृत्तादि को धारण करे उसे व्रतिक कहते हैं, नित्य सामायिक क्रिया जिसके होती उसे सामायिक कहते हैं, अवश्य पर्वों में जिसके उपवास होते वो प्रोषधोपवास करते हैं। ये शॉर्ट में बता रहे हैं, अभी उसका बहुत विस्तार से स्वरूप आप जान लेना। जीव सहित वस्तु यानी सचित्त जिसको कहेंगे, उसके सेवन का त्यागी हो उसे सचित्त विरत कहते हैं, रात्रि में भोजन न करे उसे रात्रि भक्त विरत, भक्त यानी भोजन उसके विरत, सदाकाल शील पाले उसे ब्रह्मचारी कहते हैं, ब्रह्मचर्य प्रतिमा, पाप आरंभ का त्याग उसको आरंभ विरत कहते हैं, पाप की अनुमोदना का त्याग करे उसे अनुमति विरत कहते हैं। यहाँ एक वाक्य छूट गया पुरानी पुस्तकों में, परिग्रह के कार्य का त्याग करे उसे परिग्रह विरत कहते हैं। नई पुस्तक में है क्या ये वाक्य? है, वो डाला था बाद में, दूसरी एडिशन में तो ये सब सुधार किए हुए। हाँ, अपने निमित्त से बने हुए आहार आदि का त्याग करे, क्या कहा फिर? हाँ, जिसमें लाइन नहीं वो लिख दो नीचे से, दूसरे पंक्ति में शुरुआत में ही लिया, कहते के बाद परिग्रह के कार्य का त्याग करे, परिग्रह के कार्य का त्याग करे उसे परिग्रह विरत कहते हैं। ये पहली जो पुरानी एडिशन है ना उसमें ये नहीं था वाक्य, हाँ नए एडिशन में है डाला हुआ है। हो गया। अब अंतिम कौन सा है? उद्दिष्ट विरत किसको कहेंगे? अपने उद्देश्य से बना हुआ, कि अपने निमित्त से बने हुए आहारादिक, दिक क्यों कहा? आहार और वसति का, इसको कहते हैं आहारादिक। अभी वसति का यानी वो रहने के लिए, देखो अभी ये पंचम गुण स्थान वर्ती है, शुल्लक ऐलकों की बात है, तो उनके लिए कोई हमने ऐसे वसति का बनाई तो यहाँ आके वो ठहरे उनके निमित्त से, या वो आने वाले हैं और हमने उनके लिए बस कलर विलर करा सब कह रहे, तो वो जो पाप हुआ उसके वो हिस्सेदार, उनके उद्देश्य से हुआ है ना, तो जिसके उद्देश्य से ये भोजन बनता है और वो उसको ग्रहण करते हैं तो वो उद्दिष्ट त्याग उनके नहीं होता, वो उसके दोष लगता है उनके लिए। ये पंचम गुण स्थान की बात है। देखो अलग बात है, यहाँ मन वचन काय के त्याग की बात है। पांच उसने रात्रि भोजन पहले से त्याग किया है, ठीक है वो एक सदाचार है, पर उसको वो रात्रि भोजन त्याग की प्रतिमा नहीं कहेंगे, उतनी योग्य उसके जो अंतरंग स्थिरता हो जाएगी तब उसको वो प्रतिमा है ऐसा कहेंगे। ऐसे तो ये सब पाल रहे हैं ना, अभी कोई मिथ्या दृष्टिगुण स्थान है वो कोई ब्रह्मचर्य पाल रहा है उसमें क्या है, उसको वो प्रतिमा नाम नहीं देंगे हम। बाह्य व्रत कोई भी अंगीकार करे उससे वो ये जो प्रतिमा सहित उतनी वहाँ अंतरंग में स्थिरता होगी उसका प्रतिमा नाम है, केवल बाह्य ये हमने कर दिए उसका प्रतिमा नाम नहीं है, क्योंकि दर्शन प्रतिमा से वो सम्यक्त्व की कंडीशन लगी है। जितने आगे आगे की प्रतिमा है उतनी अंतरंग स्थिरता बढ़ेगी तो ही वो जो व्रतों को व्रत कहने में आएंगे, नहीं तो केवल बाहर कोरा त्याग किया तो उसको प्रतिमा का नाम नहीं देते। हाँ, चौथे गुणस्थान वर्ती की जो है और दार्शनिक प्रतिमा में क्या अंतर है, तो उसमें और दृढ़ता है एक बात है, क्योंकि ये तो चौथा गुणस्थान है, चौथा गुणस्थान है तो अप्रत्यक्ष अनावरण का उदय है कि नहीं है,
और इसका अप्रत्याखण उनका उदय भी नहीं है। दो कषाय चोकड़ी का अभाव वितरागता भी अधिक है, दृढ़ता भी अधिक है। और शास्त्र में तो ऐसा भी आता है कि अतिचार रहित सम्यक तो हो जाता है वहाँ पर, इस तरह उसका अर्थ करना। हाँ, उसके वो तो 25 मल दोष है, वो सम्यक तो चौथे वाले को भी कहेंगे। 25 मल दोष है वो भी है। हाँ, अभी हम असंयत किसको कहना उसकी चर्चा करेंगे। पेज नंबर 567 बीच वाला पैराग्राफ। हाँ, ये पांचवें गुणस्थान वर्ती की 11वीं प्रतिमा है, उसका नाम है उद्दिष्ट आहारादिक का त्याग। आहारादिक में क्या लिया, वसती का और आहार, उनके निमित्त से जो उनके लिए जो आहार बनाया जाता है वो लेना उनके लिए दोष है, वो उनका स्वरूप नहीं उस गुणस्थान का, उस प्रतिमा का। तो इसके आगे के गुणस्थानों में तो हो गई नहीं, जो यही जो त्याग है वो आगे के गुणस्थानों में तो चलता ही रहता है। वो तो मुनि की अवस्था जो छठे सातवें गुणस्थानों का स्वरूप, तो वो तो हमने देख ही लिया है और उसका विस्तार तो ग्रंथों में है ही कि उनके कैसे कैसे 28 मूल गुण होते हैं, क्या क्या होता है। किसका त्याग? नहीं, उसकी बात ये, पांच उदमर और सप्त व्यसनों का त्याग करे और शुद्ध सम्यक्ति हो जाए। वो त्याग तो पहले से ही है, मिथ्या तो गुणस्थान में उसका त्याग है, तभी तो नामधारी जैन कहलाएगा। वो पात्रता है सम्यक तो होने की, वो पात्रता है। ये तो हमारे तो घरों में तो मंदिर में ले जाते हैं 40 दिन के बाद, सबसे पहले उसके कान में मनमुकार मंत्र बोल के ये त्याग दिया जाता है। और माँ की जिम्मेदारी होती है कि 8 साल का होने तक वो पाले, ये माँ की जिम्मेदारी होती है। और बच्चे भी वो अच्छे सीख जाते हैं उसको, छोटे छोटे बच्चे अच्छी तरह से पालन करते हैं उसका। देखो, दर्शन ये व्रतों का लेने का भाव आना बात अलग है, और वो तो शुभ भाव है, परंतु यदि वो अंतरंग में उतनी स्थिरता सहित है तो उसको हम प्रतिमा नाम देंगे। अभी व्यवहार में, लौकिक में, समाज में उसको कह देते हैं, हमने दूसरी प्रतिमा ली, हमने पांचवी ली, हमने सातवीं प्रतिमा ली। वो कहने वालों को कहने दो, हमें तो सही निर्णय करना है कि क्या होना चाहिए और पंचम गुणस्थान वर्ती का क्या, उसकी अंतरंग बाह्यरंग दशा कैसी होती है, ये हमें समझना है, हमें निर्णय करना है। हाँ बिल्कुल, वितरागता, क्योंकि अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण का उदय तो है ही नहीं है। प्रत्याख्यानावरण का भी उदय कैसा हुआ है, वो देशघाती होकर अभी उदय में आ रहा है, वो भी हमने देखी थी, उसको देशघाती हो जाता है वहाँ पर। क्या पंचम गुणस्थान वर्ती तिरंज गाजर मूली जैसे कंदमूल खा सकता है? नहीं खाएगा, क्योंकि हम परमिशन देने वाले कौन है खा सकता है करके है? और उसने तिरंज ने सुना और वो खाने लगे तो आगे देखते हैं। अभी यहाँ 568 पेज पर आना, देखो। हाँ देखो, यहाँ हमने असंयम की बात नहीं देखी थी, पेज नंबर 567। 14 जीव समास रूप भेद तथा 28 इंद्रियों के विषय, इनसे जो विरत नहीं होते अर्थात जीवों की दया नहीं पालते, दूसरी भाषा में हम कह के जिनको इंद्रिय संयम नहीं है, और प्राणी संयम में भी वो त्रस, वो कोई उसका त्रस और स्थावर, कोई हिंसा का त्याग नहीं है और विषयों में रागी है, वे असंयमी जानना। अभी ये कौन से वाले उन्होंने 28 कौन से लिए, तो स्पर्श के जो 8 पर्याय है ये है ना, 5 रस है, 5 वर्ण है, 2 गंध है, 8 स्पर्श है, 7 स्वर है, ये तो 27 हो गए। और फिर मन के द्वारा अनेक विकल्प रूप, ऐसे 28 हो गए। तो ये जो 28 इंद्रियों के विषय का, समझ में आते ना, जैसे स्पर्श इंद्रिय के विषय कितने हैं, तो स्पर्श के जो पर्याय वो उसके विषय है, इस तरह से उसका वर्णन किया है। ये सब असंयम है। अब संयम मार्गणा में किसकी कितनी संयम संख्या होती है, तो असंयत जीव कितने हो गए,
अनंत हो गए और संयमी कितने हो गए? संख्या, तो उनकी संख्या कितने हो जाने दो, कितने हैं? संख्या है और संयमा संयमी कितने हैं? संख्या। अरे पंचम गुण स्थानवर्ती तीर्यंश असंख्यात है, स्वयं गुरु स्वयं गुरु। हाँ, अब हम आगे बढ़ते हैं, दर्शन मार्गना की बात चलेगी अपनी। देखो हमने दर्शन के भी भेद हमने देखे थे, कौन कौन से होते? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, ये चार भेद है। अब यहाँ आते हैं 569 पेज पर। हाँ, अब यहाँ चार्ट भी लगा लेना। हाँ, देखो क्या कहते हैं, अभी हम यहाँ पढ़ते तब तक दर्शन मार्गना को कहते हैं 482 की टीका। अभी वहाँ हमने ज्ञान मार्गना की बात देखी थी, अभी यहाँ दर्शन मार्गना की बात है। इसमें क्या करेंगे हम, दर्शन जो हमारे चार गुण देखे ना, चार उसके पर्याय, तो उसकी अपेक्षा संसारी जीवों के भेद देखेंगे। तो क्या होगा, कोई अचक्षु दर्शनी हो गए, कोई चक्षु दर्शनी हो गए, कोई अवधि दर्शनी हो गए और कोई केवल दर्शनी। बराबर है नहीं ये बात? तो मेरा प्रश्न है, अचक्षु दर्शन कौन से जीवों के होता है, कौन से इंद्रिय वालों को अचक्षु दर्शन होता है? क्या कहते आप भाई, क्या कहते हैं अचक्षु? पीछे आप बताएंगे, आपके अमृत भाई के बाजू में। हाँ, आप नीचे बैठे हो, आप यहाँ देख रहे हैं ना। अचक्षु दर्शन कौन से जीवों को होगा? हमने 14 जीव समास देखे ना। अरे शांति रखो, आपको पूछा है, सभी को नहीं बताना है प्रश्न, हमने सभी को नहीं पूछा है। कौन बताना चाहता है यहाँ से? हाँ बोलो भाई, क्या पांच, क्या पांच इंद्रिय वालों को आप क्या कहते हैं? सभी को। हाँ देखो, अचक्षु दर्शन का अर्थ क्या है, चक्षु को छोड़कर अन्य इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान होता है, उसके पहले जो दर्शन होता है, सामान्य ग्रहण जिसको कहेंगे, सामान्य अवलोकन कहते हैं, तो वो तो सभी को होगा ना। ऐसा नहीं कि चक्षु दर्शन किसको होता है, तो चतुरिंद्रिय पंचेंद्रिय, और अचक्षु किसका होगा है, एक इंद्रिय द्विंद्रिय तीनिंद्रिय को, ऐसा है? जो पंचेंद्रिय है उसको चक्षु दर्शन भी है, अचक्षु दर्शन भी। देखो अचक्षु दर्शन तो अनादि से है, 12वें के अंतिम समय तक रहेगा, कोई भी गुणस्थान हो, कुछ भी हो, नहीं समझे? हाँ, जीव की पर्याय है, दर्शनावरण का काहे का भेद है। अचक्षु दर्शन क्या है? अचक्षु दर्शनावरण कर्म है, जीव की पर्याय कौन से? अचक्षु दर्शन है। देखो ये दर्शन में शक्ति रूप और व्यक्ति रूप ऐसे दोनों आते हैं, विग्रह गति में भी उसको वो शक्ति रूप दर्शन कहेंगे। अचक्षु दर्शन अनादि से लेकर 12वें के अंत तक हर समय रहता है, और चक्षु दर्शन कब होगा? जब जब चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय पर्याप्त होगा तब, अपर्याप्त उनके भी वो शक्ति अपेक्षा बता देंगे वहाँ पर, परंतु वो कार्य रूप व्यक्ति रूप कभी होगा, पर्याप्तों में होगा, जबकि हम इसको पढ़ेंगे। देखो अब पहले चार देख लेते हैं। देखो दर्शन मार्गणा में अभी दर्शन की अपेक्षा जीवों के भेद करना है, तो हमने देखना है कि चक्षु दर्शनी जीव और अचक्षु दर्शनी जीव कौन कौन से गुणस्थान में होते हैं। हमारे गुणस्थान की बात है, हम जीव समास नहीं पूछ रहे। तो कहते पहले गुणस्थान में हो गए कि नहीं हो गए? तो पहले से 12वें गुणस्थान तक हो गए। अभी किसको चक्षु दर्शन होगा? तो कहते चतुरिंद्रिय तो पहले गुणस्थान में हो गए, और पंचेंद्रिय जीव तो पहले से 12वें तक सब जगह पाए जाएंगे, तो चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन पहले से 12वें तक होता है। अवधि दर्शन कहाँ से कहाँ तक पाया जाएगा? क्योंकि अवधि दर्शन जो है वो अवधि दर्शन अवधि ज्ञानियों के साथ लगाते हैं, वो विभंग ज्ञानियों के साथ वो अवधि दर्शन को नहीं लेते, इसी पद्धति है। तो कहते हैं अवधि दर्शन कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 4 से 12 तक होगा, क्योंकि अवधि ज्ञान यानी सम्यक अवधि ज्ञान कहाँ से कहाँ तक होता है, 4 से 12। तो अवधि ज्ञान के पूर्व में होने वाला वो अवधि दर्शन, उसके भी गुणस्थान वही हो गए।
केवल दर्शन कब होगा? जहाँ केवल ज्ञान है उसके पूर्व होता है ना केवल दर्शन, उसके साथ साथ होता है, वहाँ क्रम नहीं है, दोनों युगपत होते हैं। अब अचक्षु जीव समासों की बात है। अचक्षु दर्शन कौन कौन से जीव समासों में होता है? सभी में होता है, पर्याप्त हो अपर्याप्त हो सब जगह। और चक्षु दर्शन चतुर इंद्रियों में और पंच इंद्रियों में। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे, देखो आपका प्रश्न है श्रुत दर्शन और मनोपर्य दर्शन क्यों नहीं लिया, ऐसा ही है क्या? हाँ, उसका नाम नहीं लिया। श्रुत ज्ञान होता है वो मति पूर्वक होता है, और मनोपर्य भी है वो कब होता है मुनिराज? जब उसके किसी के उनके मन के द्वारा, है ना, हमने देखा ना मन के द्वारा दूसरे के मन में क्या चल रहा है, ये सब विकल्प आया पहले और फिर उन्होंने जाना, तो वो भी मति ज्ञान पूर्वक होता है। और मति ज्ञान है वो दर्शन पूर्वक होता है। तो पहले दर्शन हुआ, बाद में मति ज्ञान हुआ, बाद में श्रुत ज्ञान हुआ, किसी को बाद में मनपर्य ज्ञान, इसलिए उसको अलग से दर्शन की बात नहीं की जाती, या अचक्षु दर्शन ऐसा भी कहने में आता है। अवधि दर्शन के साथ ऐसा नहीं लगाया। अवधि दर्शन ये जो आत्मा के द्वारा डायरेक्ट वो प्रकट होता है, उसके पहले अवधि ज्ञान के पहले अवधि दर्शन होता ही है, बिना उसके नहीं होता है। क्योंकि वो मन के द्वारा जानना नहीं, अवधि का जानना मन के द्वारा जानना नहीं है, वो डायरेक्ट आत्म प्रदेशों के द्वारा वो जानना होता है, विशिष्ट आत्म प्रदेशों से उसका क्षोभ वहाँ होता है अवधि ज्ञान। मनपरि ज्ञानावरण भी वो प्रत्यक्ष ही ज्ञान है, परंतु उसमें उसके पूर्व में वो जानने संबंधी कुछ विकल्प तो होगा ना मुनियों के, ऐसे अंतरंग में कुछ नहीं, सामने कोई किसी के बारे में नहीं हो रहा है उसको डायरेक्ट मनपरि ज्ञान हो जाए, ऐसे थोड़ी है। वहाँ मति ज्ञान, मनपरि ज्ञान के पूर्व में मति ज्ञान पाया जाता है। प्रत्यक्ष हो परोक्ष हो उससे कुछ कुछ बीत में, उस ज्ञान पूर्वक वो हो गया ना, तो उस मति ज्ञान के पहले दर्शन हुआ था, बाद में मति ज्ञान हुआ था, बाद में मन परे ज्ञान हुआ, उसमें कोई दोष नहीं है। देखो विभंग ज्ञान के पहले भले दर्शन होता है पर उसको अवधि दर्शन नाम नहीं देते, ऐसे ही शास्त्र की पद्धति है। हाँ, अभी हम जरा आगे बढ़ेंगे। दर्शन कहना किसको पहले ये बात चलेगी। हाँ, 569 पेज देखो। सामान्य विशेषात्मक पदार्थ, भाव क्या है? सामान्य विशेषात्मक पदार्थ उनके आकार अर्थात भेद का ग्रहण उसको न करके, देखो ज्ञान को क्या कहते हैं? साकार। ज्ञान को साकार क्यों कहते हैं? क्योंकि ज्ञान पदार्थों को भेद करके उसकी विशेषताओं को पहचान कर उसको जानता है, उसको कहेंगे ज्ञान। देखो ज्ञान के लिए भी ग्रहण शब्द आता है और दर्शन के लिए भी ग्रहण आता है, क्योंकि चैतन्य के लिए ग्रहण ग्रहण करो, उसको अवलोकन कहो, उसकी परिचिति कहो, उसका और क्या है जो कुछ नाम दे दो उसको, उसका सबका अर्थ क्या होता है? चैतन्य। चैतन्य के दो भेद हैं, यानी दर्शन के लिए भी ग्रहण शब्द आएगा, अवलोकन शब्द आएगा, और ज्ञान के लिए भी ग्रहण अवलोकन आदि शब्द आते हैं। पर ज्ञान की विशेषता क्या है? विशेषता सहित ग्रहण होता है, उसको हम ज्ञान कहेंगे, और विशेषताओं बिना सामान्य से विदाउट डिफरेंशिएटिंग जो ग्रहण होता है, पहचान लिया तो ज्ञान हो गया, बस सत्ता मात्र का ग्रहण हुआ, सत्ता मात्र का अवलोकन हुआ, किसके? स्व का भी और पर के भी। स्व पर का भेद नहीं किया, भेद करने जाए तो वो तो ज्ञान हो जावे। बिना भेद किए सत्ता मात्र का जो ग्रहण है उसको दर्शन कहते हैं। देखो यहाँ पढ़ेंगे, यहाँ कहते हैं ऐसा भेद न करके जो सत्ता मात्र स्वरूप का प्रतिभासना, ये प्रतिभास का भी अर्थ ग्रहण है, प्रतिभास का अर्थ भी अवलोकन है, प्रतिभास को ही दर्शन भी कहेंगे, ज्ञान भी कहेंगे। प्रतिभास यानी पैसिवली कुछ जाना जाता, जनाए जाए और जानना यानी एक्टिवली कुछ जानता है, ऐसा भेद करते हैं लोग, वो बात बराबर नहीं समझे लोग। क्या कहते हैं? इसका तो प्रतिभास हुआ और इसको तो इसने जाना है ना, यानी उसमें डिफरेंस करना चाहते हैं। क्या जाना है ने उसके यहाँ एक्टिवली कुछ किया,
और प्रतिभास हुआ ये जाना जना ही गया, ऐसा नहीं है। प्रतिभास कहो या जानना कहो, दोनों में कार्य तो वही हो रहा है। उसका पर का तो प्रतिभास होता है और ये तो स्व को तो जानता है, ऐसा उसका स्व का भी प्रतिभास कहो, पर का भी जानना कहो, एक ही बात है। जानना और प्रतिभासना एक ही अर्थ में शब्द आता है। ग्रहण भी कहो, अवलोकन भी, कुछ भी कहो, बात एक ही है। जानने में विशेषताओं सहित उसका ग्रहण है और दर्शन में सत्ता मात्र का ग्रहण, बस इतना ही। देखो नीचे देखे, सामान्य विशेषात्मक जो पदार्थ उनका स्वरूप मात्र भेद रहित जैसे है वैसे जीव सहित स्वपर सत्ता का प्रकाशना, यानी वो जैसे ज्ञान स्वपर प्रकाशक है वैसे दर्शन भी स्वपर प्रकाशक है, परंतु वो भेद रहित सत्ता मात्र का प्रकाशक है। और ज्ञान जिसको हम साकार कहते हैं, सविकल्प कहते हैं, क्योंकि भेदों भेद करके पदार्थों को जानता है, पदार्थों की विशेषताओं को जान लेता है, इसलिए उसका नाम है साकार। और ये दर्शन को कहेंगे निराकार। अभी चक्षु अचक्षु का लक्षण यहाँ कहते हैं, पेज नंबर 570। नेत्रों संबंधी जो सामान्य ग्रहण, यानी आँखों से जो हमारे देखने का जो, यानी आँखों से देखना यानी ज्ञान होना, उसके पहले जो हुआ था उसको क्या कहेंगे? चक्षु दर्शन। आप कहेंगे चक्षु दर्शन का उदाहरण दे दो, अरे हर बार जो देखना हो रहा है उसके पहले चक्षु दर्शन हो रहा है, परंतु वो दर्शन हम कैच नहीं कर सकते, उसको डिफाइन करने जाओ तो ज्ञान हो जाएगा है? तो जो प्रकाशता है, देखता है, जिसके द्वारा या उस नेत्र के विषय का प्रकाशन, उसे गणधरादिक चक्षु दर्शन कहते हैं। और नेत्र बिना चार इंद्रियों और मन के विषय का जो प्रकाशन, वह अचक्षु दर्शन है, यानी उसके जो विषय है उसका जो आद्य ग्रहण भी नहीं कहेंगे, ग्रहण में वो तो मति ज्ञान में चला जाएगा, उसके पहले सत्ता मात्र का अवलोकन, उसको यहाँ कहेंगे अचक्षु दर्शन। हाँ, दोनों को एक करके कहेंगे तो हम उसको चैतन्य कहेंगे, चैतन्य का उपयोग कहेंगे। उसी के दो भेद है, सामान्य अवलोकन और विशेष अवलोकन। सामान्य अवलोकन को कहेंगे दर्शन, और विशेष उसी की विशेषताओं को जान लेना उसको कहेंगे ज्ञान। जैसे हम जान रहे हैं, सुन रहे हैं, तो सुन रहे ने मति ज्ञान के द्वारा, ये कर्णेंद्रिय के द्वारा हमारा सुनने का प्रति उपयोग है। फिर हम देखेंगे तो देखने के पहले क्या होगा? चक्षु दर्शन पहले होगा, फिर वो देखने संबंधी वो अपना मति ज्ञान होगा। परंतु अभी हम वो ज्ञान भी अलग अलग पकड़ में नहीं आ रहा है, तो बीच वाला दर्शन कैसे पकड़ेंगे? और इतना फास्ट हो रहा है तो वो अंतर्मूर्त कितना छोटा होगा, क्योंकि दर्शनोपयोग भी अंतर्मूर्त तक होता है, फिर ज्ञानोपयोग होता है। और हम तो ऐसा लगता है कि हम सब एक एट ए टाइम सब कुछ हो रहा है। प्रति समय चैतन्य उपयोग चल रहा है, परंतु उसमें ज्ञान और दर्शन के उपयोग के भेद बताए, पर्याय दोनों की ही चल रही है। नहीं तो जब तक ज्ञान का कार्य चल रहा है दर्शन सोएगा? थोड़ा आराम चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, क्योंकि पूरी पर्याय जो है लब्धि उपयोग रूप है, उपयोग में क्रम है, उपयोग क्रमिक है, दोनों की पर्याय चल रही है ऐसा हम कहेंगे। उपयोग में क्रम है दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग। वैसे तो गुरुदेव ने कितने बार बताया, वो कौवे के आँख के समान, वो उसमें दो आँखें हैं, उसमें वही एक लोलक इधर उधर इधर उधर होता है ना, इस तरह से ये दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग। क्योंकि हमें ये दर्शनोपयोग ख्याल में नहीं आ रहा है ना, कैच नहीं होता है, इसलिए हम उसके ऊपर कुछ अलग 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 विकल्प करते रहते हैं और कुछ सोचते हैं। बस पहले में पहले बिना वो वस्तुओं को डिफ्रेंशिएट किए बिना, बस है सत्ता मात्र का ग्रहण होना, वो दर्शन है, वो ज्ञान के पूर्वक वो होता है। उसके बाद छद्मस्थों को दर्शन होता है, फिर ज्ञान होता है, मति ज्ञान और अवधि ज्ञान के पहले लगाना। और सर्वज्ञ भगवान को दोनों एक साथ होते हैं। इस तरह से ये दर्शन और ज्ञान का भेद है। अभी उसके और थोड़ी जो चर्चा है उसकी चर्चा हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे, फिर आगे का विषय को भी चालू रखेंगे। बोलो 2400 भगवान।